तीर्थांकर महावीर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वीसी रघुवीर सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि फूड वेस्टिंग पर अफसोस जताते हुए कहा कि हॉस्पिटल में लगभग 500 केजी फूड वेस्ट होता है। पोस्टर कंपटीशन इसलिए है कि हम फूड वेस्ट पर एक संदेश दे सकें। उन्होंने कहा कि अपनी क्रिएटिविटीज और इमेजिनेशन को व्यक्त करना बहुत कठिन कार्य है। पोस्टर मेकिंग के जरिए किसी पावरफुल इशू पर अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। वे TMU के रिद्धि सिद्धि भवन में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर साइंस की ओर से आयोजित पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन में बोल रहे थे। प्रतियोगिता में पैरामेडिकल BRIT तृतीय वर्ष की अना खान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। निर्णायक मंडल में फाइन आर्ट्स के HOD रविंद्र देव और फैकल्टी प्रवेश चंद्र शर्मा थे। प्रतियोगिता की थीम लव फूड हेट वेस्ट थी। इस कंपटीशन का टाइम 2 घंटे रखा था। इसमें कुल 94 छात्र छात्राओं ने शिरकत की। इस मौके पर निदेशक छात्र कल्याण प्रोफेसर MP सिंह और जॉइंट रजिस्ट्रार डॉक्टर PN अरोरा भी मौजूद रहे। प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर पैरामेडिकल BRIT तृतीय वर्ष की प्रज्ञा उपाध्याय, जबकि तीसरे स्थान पर कुंतनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन BSc BEd द्वितीय वर्ष की अर्चना कुमारी रही। इसके अलावा अन्य छात्रों को भी सांत्वना पुरस्कार दिए गए। प्रतियोगिता में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के अलावा अन्य कॉलेजेस के विद्यार्थियों ने भी भाग लिया। इस मौके पर डॉक्टर अर्चना नेगी ने बताया कि बेस्ट पोस्टर सभी कॉलेजेस में लगाए जाएंगे। वेस्ट फूड और इस्तेमाल की गई प्लेट्स हॉस्पिटल्स में अलग अलग रखी जाएंगी ताकि फूड की वेस्टेज रोकी जा सके। अंत में प्रोफेसर MP सिंह ने सभी का धन्यवाद दिया। पहले तो मैं आपसे सभी से बोलना चाहती हूँ कि हमें ये आइडिया कहीं से आया नहीं। ये चीज़ें हम है ना अपने मेस में रोज़ देखते हैं। ये हम फर्स्ट ईयर से, मेरे को 3 साल हो गया है इस यूनिवर्सिटी में, और मैं फर्स्ट ईयर से देखती थी कि यहाँ पे कितना वेस्टेज हो रहा है। रोज़ हम देखते थे कि बच्चे थाली में इतना इतना सारा खाना रोज़ छोड़ रहे हैं। पहले तो ये हुआ कि मेस में कितना खाना बचता है, पहले हमने उस पर ध्यान दिया। फिर फिंगरप्रिंट का सिस्टम चालू हुआ कि उस हिसाब से रोज़ खाना बनेगा। फिर उसके बाद हमने देखा कि वेस्टेज भी हो रहा है। फिर हमारी एक कमेटी बनी जिसमें MP सिंह सर थे और अर्चना मैम है, मैं हूँ और भी कुछ बच्चे हैं। फिर हमने इस पे काम किया कि हम जाते थे मेस में, हम रोज़ का उनसे बोले थे कि डेटा आप निकाल के दीजिए कि रोज़ का कितना वेस्टेज हो रहा है। हमने उसमें देखा कि 150, 200, 250 KG रोज़ का वेस्टेज हो रहा था। तो इससे हमें एक आइडिया आया कि हम है ना ये वेस्टेज को रिड्यूस करने में कैसे हेल्प करें। तो ये डिस्कशन हुआ। फिर पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन का आइडिया आया कि हम डिपिक्ट एक पोस्टर से कर सकते हैं इस चीज़ को। हमने इस चीज़ को पोस्टर से डिपिक्ट किया। फिर उसके बाद हमने एक ड्रम रखवाया गया, सेपरेट ड्रम। एक दो ड्रम्स हैं अब हमारे पास मेस में, जिसमें एक में हम सिर्फ प्लेट्स रखते हैं और दूसरे में पूरा जो वेस्ट उनका जो झूठन है वो खुद अपने हाथ से उसमें डालते हैं। वो जब आप खुद अपने हाथ से डाल रहे हैं तो अब उनको शर्म आती है कि हम कितना वेस्टेज, हम रोज का कितना वेस्ट कर रहे हैं। उससे अब हम कैलकुलेट किए तो 2 दिन से अभी हमारी ये चालू हुई है, तो हमने 2 दिन में देखा कि कम से कम 10, 20, 30 KG रिड्यूस हुआ है। अब वो एस्टिमेट है 80 KG। तो 250 से 80 KG लाना, इतने में हम अभी सफल हुए हैं। और हम अब इसको और वो करना चाह रहे हैं। तो अब हमारा ये है, सबसे पहला मोटिव है कि ये वेस्टेज रिड्यूस हो 10 से भी 5 KG तक और फिर बिल्कुल ही बंद हो। तो पोस्टर कंपटीशन हमारे दिमाग में आया था कि हम डिपिक्ट पोस्टर से ही करवा सकते हैं, इसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो, इसलिए ओपन फॉर ऑल कोर्सेज था TMU के। तो बहुत सारे बच्चों ने एक्टिव पार्टिसिपेशन भी लिया और हम सक्सेसफुल भी रहे। इसके मल्टीपर्पज उद्देश्य है, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि बच्चों की क्रिएटिविटी डेवलप करना। दूसरा इम्पोर्टेंट जो बहुत ही बर्निंग टॉपिक है वो है वेस्टेज ऑफ फूड को स्टॉप करना, ताकि हमारे जो मैथ्स में स्टूडेंट्स हैं उनको उनके जहाँ भी वो लोग बच्चे रहते हैं अपने घरों में और जिस समाज में रहते हैं वहाँ पर इसके बारे में एक अवेयरनेस क्रिएट हो, जिससे इस वेस्टेज को रोका जाए। और ये अगर वेस्टेज रुकेगा तो इसका इम्पैक्ट आप देखिए बैक चेन पे बहुत लंबा पड़ता है। हमारे जो रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है अदर, वो रुकेगा। और उसके ऊपर हमारे जो बच्चे हैं इन बच्चों में ऑर्गेनाइजिंग कैपेबिलिटी भी बढ़ रही है, क्योंकि ये पूरा जो प्रोग्राम है ये हमारे बच्चों ने खुद ही ऑर्गेनाइज किया है। तो देखिए मल्टीपर्पज उद्देश्य के साथ में ये कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें मोर देन 100 स्टूडेंट्स हैव एक्चुअली पार्टिसिपेटेड एंड आई फाउंड ग्रेट अमाउंट ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ देयर क्रिएटिविटी थ्रू दिस पर्टिकुलर पोस्टर कॉम्पिटिशन। एंड ऑल ऑफ देम हैव ट्राइड टू गिव डिफरेंट मैसेजेस थ्रू देयर ड्रॉइंग्स एंड ईच वन ऑफ द यूनिक वन। बच्चों ने आज के पोस्टर कॉम्पिटिशन को किस तरह से एंजॉय किया या कुछ सीख उनको सीखने से मिली है यहाँ पर? I have myself personally visited when they were actually making the posters. I found a lot of enthusiasm among them and they were really colorful.
and each one of them have been able to express their feelings, their message, what they wanted to tell to the world, that wastage of food is no good for humankind. 100 छात्रों ने जिन्होंने पोस्टर्स बनाए हैं ये इस बात के लिए अवेयर हो गए, और ये 100 छात्र ही अगर खाने की वेस्टेज को रोकना शुरू कर दें तो धीरे धीरे ये मैसेज ये अपने फ्रेंड सर्कल में देंगे, फिर ये अपने हॉस्टल बैचमेट्स को देंगे, और इस तरह से अपने कॉलेज बैचमेट्स को देंगे, और ये समाज में चेतना जो है वो प्रसारित होती चली जाएगी। और अगर हमारा TMU परिवार ही इस मामले में सजग हो गया, और जैसा कि बताया था कि लगभग 4 से 5 क्विंटल सामग्री, खाद्य सामग्री हमारे यहाँ रोज वेस्ट होती है, तो अगर ये 4-5 क्विंटल रोज हम बचाने लग जाएं तो एक ये समाज के ज़रूरतमंदों तक एक अच्छी पहल होगी उन तक खाना पहुंचाने की। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर साइंस के विद्यार्थियों द्वारा स्पेशली इसका पोस्टर कंपटीशन जिसका थीम फूड वेस्टेज था ऑर्गेनाइज किया गया। हम क्योंकि हॉस्टल कमेटी में मेंबर हैं तो विजिट करते हैं बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल सभी को, वहाँ के स्टूडेंट्स की समस्याओं को हम समझते हैं। और जब हम विजिट कर रहे थे पिछले दिनों तो वहाँ पर हमने ऑब्ज़र्व किया कि क्योंकि 4 हॉस्टल हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में हैं इसमें मौजूदा, उनमें औसतन 4 क्विंटल से 5 क्विंटल मतलब 400 किलो से 500 किलो खाना रोज वेस्टेज होता था। हमने स्टूडेंट्स के साथ मिलकर इसको इनिशिएट किया है कि इस वेस्टेज को हम मिनिमम लेवल पर लेकर आएंगे। उसी उद्देश्य के साथ आज पोस्टर कंपटीशन आयोजित किया गया था जिसमें तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेजों के विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया। करीब 100 स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, और जब पार्टिसिपेशन के बाद अब हम पोस्टर्स को जो एक्सपर्ट कमेटी है, जो इसके जजेस हैं, उनको भेजेंगे। उनके बाद जो 1st, 2nd और 3rd प्राइज़ दिए जाएंगे, 5 बेस्ट पोस्टर्स को जो है कॉन्सोलेशन प्राइजेस भी मिलेंगे, जिससे उद्देश्य यही था कि बच्चों के बीच में अवेयरनेस चलाई जाए। हमारे एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स ने एक पूरी टीम इसमें गठित की है, बनाई है, उन्हीं का इनिशिएशन है, और मैस में जाकर वो जो स्टूडेंट्स फूड वेस्ट करते हैं उनको वो समझाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। ये जितने भी पोस्टर यहाँ पर आज बनाए गए हैं इनमें इनको सभी को यूनिवर्सिटी के जितने भी मैस हैं उनमें लगा दिया जाएगा अवेयरनेस चलाने के लिए। और हम ये कोशिश करेंगे कि 0 लेवल पर फूड की वेस्टेज को लाया जाए, जिससे जो है खाने का वेस्टेज बचे और इनको ज़रूरतमंदों तक पहुंचाया जा सके।